हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सुमित झारखंडी और हमारे यूट्यूब चैनल एस्केम ब्लॉग पर आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, अभी मालूम होगा कि दो चार रोज से वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। कारण यह है कि कहीं जा नहीं पा रहा हूँ और लॉकडाउन है और मेरा तबीयत भी ख़राब हो गया था। सो फ्रेंड्स, आज शाम का टाइम है और मैंने सोचा कि आज क्यों ना आप लोग का होम टूर करवा देते हैं अपना घर। सो फ्रेंड्स, यहाँ से मैं अपना वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू हमारे साथ बने रहे, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चलिए फिर दिखाते हैं अपना होम टूर किस तरह का मेरा घर है। सो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं मेरा सेटअप जो कि हर कोई वीडियो में देखते हैं, तो मैं इसका आज अंदर भी आप लोग को दिखाने वाला हूं। तो चलिए हमारे साथ आइए अंदर। सो इधर देखिए, ये रहा हमारा सेटअप। इधर पंखा वंखा लगा हुआ है जो कि अभी पूरा ऑलरेडी तैयार नहीं हुआ है। ये इधर भी आप देख सकते हैं, कुछ पिक्चर उक्चर मैंने किया हुआ है जो कि कम्प्लीट नहीं हुआ है, बट टाइम नहीं मेरा जिसके कारण से। और जब भी कभी नाइट हो जाता है या तो हमारे फ्रेंड लोग जो भी आते हैं तो उन लोग को मैं यहीं पर रुकवाता हूँ, यानी कि शूटिंग वूटिंग जो भी होता है तो इस रूम पर वो आके ठहरते हैं। और फिलहाल ये देख सकते हैं, इमरजेंसी एक बेड है जिसमें मैं सोता हूँ कभी कभी। तो चलिए यहाँ का कुछ सीन है। ये देखिए हमारा ट्राइपॉड, ये ट्राइपॉड से मैं वीडियो कभी कभी यहाँ भी शूट कर लेता हूँ। और इधर जैसे कि अभी लाइन नहीं है, लाइन रहता तो लाइटिंग और ज़्यादा आता, तो फिलहाल मैंने यहाँ आप लोग को शूट करके दिखा दिया। और इधर मैं कुछ सामान जो कि और भी उस अलमारी में रखा हुआ है मेरा सामान, कुछ ड्रेसेस वेसेस है। तो चलिए फिलहाल यहाँ का कुछ सीन इस तरह का था। आप चलते हैं मेन अपना घर जो कि पुराना मेरा घर है, वहाँ का मैं टूर आप लोगों को करवाने वाला, तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहे। तो फ्रेंड्स, उधर से आने के बाद यहाँ पर देखिए एक टंकी मिल जाता है, पानी टंकी। यहाँ पर डेली सुबह में स्नान करते हैं हम लोग। और मेरे साथ अभी दीपक जा रहा है वीडियो शूट करने के लिए, यही है शूट करेगा, सारा चीज़ आप लोग को दिखाएंगे। तो वीडियो पर कंटिन्यू हमारे साथ बने रहे। यहाँ पर एक चापाकल भी मिल जाता है, हमें देख सकते हैं, और एक आम का पेड़ भी है। ये फलते रहता है हमेशा, मतलब सब सीजन का आम ख़त्म हो जाएगा बट ये पेड़ का आम मेरा रहता है। तो यहाँ से कुछ मेरा सीन है। और चलिए यहाँ से देखिए, ये रहा मेरा घर, वहाँ मैं जाने वाला हूँ। अभी वीडियो शूट करेगा दीपक, सामने से एंट्री करना पड़ेगा इस गेट से। यहाँ देख सकते हैं गेट का हालत क्या है, उतना भी ठीक नहीं है। फिर चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आप लोग को। पुराना बहुत गेट है, ये देख सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को कंटिन्यू हमारे साथ बने रहे। हम लोग पहुंच गए हैं, ये देखिए ये मेरा घर का आंगन है। तो चलते हैं फिर। सो फ्रेंड्स, फाइनली देख सकते हैं मैं पहुंच गया अपना घर। ये देखिए इधर खपरा का घर है, इधर देख सकते हैं ये आंगन हो गया। और चलिए मैं दिखाता हूँ घर। सो इधर देखिए, इधर सको ये हो गया घर का कुछ सीन। उधर चचा लोग रहता है, दोनों चचा, इधर हमने महिला चचा और छोटा चचा का उधर रूम हो गया, और ये हम लोग का रूम। सो यहाँ देखिए, को लाइट थोड़ा सा जला देता हूँ। ये रह गया जो कि दादाजी द्वारा बनाया गया ये रूम है। यहाँ पर लाइट थोड़ा मैं जला दे रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आ जाए। सो ये कुछ यहाँ पर देखिए सीन है। तो ये हो गया पुराना रूम जो कि दादाजी अपना मतलब गवर्नमेंट जॉब करते थे, तो तीन भाई लोग हैं पापा लोग, तो उनके लिए रूम बनाया गया था। ये फर्स्ट हो गया हम लोग का अंदर बाहर। उधर सेकंड में चचा का है, मेरा चचा का, छोटा चचा का। तो इस तरह का सीन है इधर बाहर का। तो अब चलते हैं हम लोग का दूसरा रूम। ये देखिए यहाँ मिट्टी का घर है, जो देखिए मेरा दादी है रहती है यहाँ। देखिए कुछ ये किचन रूम का सीन है, इस तरह का यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा सीन। और एक रूम यहाँ पर भी है, पंखा वंखा लगा हुआ है। तो यहाँ का कुछ सीन इस तरह का है, देख सकते हैं। अब चलते हैं ऊपर छत की ओर, दीपक। सो फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग का छत का सीन आ जाता है ऊपर। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए एक रेलिंग में ये स्टील वाला सीढ़ी लगाया गया है। तो यहाँ से आपको कुछ नज़ारा दिखेगा। देखिए ये सारे जो कि देख रहे हैं दादाजी और दादी रहते हैं जिस रूम में, वो खपरा का है पूरा। यहाँ से कुछ आपको खपरा का ही सीन देखने को मिल जाता है, खपरा वाला घर। और यहाँ से देखिए ये जो कि एक सेटअप तैयार हो रहा है, यहाँ पर भी एक रूम बनेगा, अभी कम्प्लीट हुआ नहीं है फाइनल। सो चलिए इसके अंदर चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं कुछ सीन। सो फ्रेंड्स, फाइनली एक सेटअप यहाँ भी तैयार हो रहा है, और काफ़ी अच्छा है इसमें, मतलब पुट्टी उट्टी कलर किया हुआ है। सो चलिए इसके अंदर मैं दिखाता हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी यहाँ भी वीडियो शूट कर लेता हूँ।
सो यहाँ से कुछ देख सकते हो गेट किस तरह का है। गेट काफ़ी अच्छा है और मैं लाइट थोड़ा सा जला देता हूँ। ये देखिए यहाँ से कुछ सीन आप लोग को देखने में मिल जाता है। देखिए इधर लाइटिंग कितना अच्छा किया हुआ है, एक लाइट जला लूँ। ठीक है, सो लाइट देख सकते हो ऊपर का। और इधर देखिए इसमें कुछ स्टिकर जो कि जो पुट्टी करने वाले मिस्त्री लोग था वो बनाए हुए थे। और यहाँ पर भी एक खिड़की है जो कि काफ़ी अच्छा आप लोग को दिखता है। ये मतलब आप लोग आउटडोर से, ये आउटडोर से मतलब देख नहीं सकेंगे, आउटडोर से, इंडोर से हम देख सकते हैं सिर्फ बाहर, मतलब बाहर का सीन आप लोग को देखने को मिलेगा इस खिड़की से। और बाहर वाला जो आदमी है वो अंदर नहीं देख सकता। तो ये कुछ इस तरह का यहाँ सीन है। और यहाँ पर भी एक गेट है, इसको गेट खोलने के बाद आपको यहाँ से ये देखिए ये बालकोनी का नज़र आता है। यहाँ से आप मतलब घर का बाहर भी देख सकते हैं, कोई अगर आया हो जैसे कि रोड में कोई आ रहा बुला रहा हो तो यहाँ से भी आप आवाज़ दे सकते हैं कि हाँ यह झारखंडी का सेटअप है, रूम है। तो यहाँ इस तरह करके चारों तरफ इसके तरफ मतलब इस तरह का बनाया गया है, सेटअप बोल सकते हैं। सेटअप का मतलब चारों तरफ आपको बालकोनी का नज़ारा देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरह का सीन है फ्रेंड्स, जैसे कि देखें यहाँ से खपरा का पूरा सीन आप लोग को देखने को मिल जाता है। अब चलते हैं आगे हम लोग छत। तो यहाँ से देखिए एक टेम्पोररी सीढ़ी अभी बनाया गया फिलहाल, क्योंकि सीढ़ी है नहीं इस तरह का। तो हम लोग अगर यहाँ से चढ़ते हैं इस तरह करके सीढ़ी से, तो यहाँ पर एक छोटा सा टंकी रखा हुआ है वहाँ से दुहने के लिए, किस तरह का कुछ आदमी का ज़रूरत पड़े तो पानी के लिए। सो यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड एक खपरा का ही खपरा घर देखने को मिल जाता है, तो दिखाता है। तो ये देखिए यहाँ से तो सीन है जो आपको खपरा का ही घर देखने को मिल जाता है। और वो रहा हमारा सामने जो कि देख सकते हैं पुराना वाला सेटअप। ये देखिए सामने में जूम करके ले आए वो सेटअप जो कि रोड किनारे में मेरा बना हुआ। तो यहाँ का कुछ सीन इस तरह का है। सो फ्रेंड्स फाइनली देख सकते हैं इधर फोटोग्राफी हो रहा है, दोनों फोटोग्राफी कर रहा है दीपक और अभिषेक। और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ सामान भी है जो कि काम होने के बाद ऊपर छत में रखा गया था। सो यहाँ पर भी मैं वीडियो शूट कर सकता हूँ और एक दो बार वीडियो भी शूट किया हूँ। और पीछे देख सकते हैं नीम का पेड़ है जिससे छाया काफ़ी ज़्यादा रहता है नीचे रूम में और काफ़ी ज़्यादा ठंड लगता है रूम में। तो फ्रेंड्स यहाँ से काफ़ी ज़्यादा आप लोग को खपरा का देख सकते घर भी मिल जाता है, जैसे कि बताए थे दादाजी इस रूम में रहते हैं यहाँ पर खपरा वाला में। और इसके बगल में मैं और एक चीज़ दिखा रहा हूँ आप लोग को। सो यहाँ से देखिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ से ढेला का पेड़ मिल जाता है मेरे घर के सामने में। और उधर देख सकते हैं बांस का भी मिलता है बहुत सारे, झाड़ियाँ और तालाब है, टंकी जैसे कि आप लोग दिखाए थे वो टंकी है, सामने एक आम का पेड़ है। तो यहाँ कुछ इस तरह का मेरा घर के सामने आप लोग को सीन देखने को मिल जाता है। और ये देख सकते हैं यहाँ से कुछ अभी ये ऊपर छत से मैं दिखा रहा था आप लोग को सीन। तो एक तो कुछ इस तरह का हमारा होम टूर है और हमारा घर बोल सकते हैं फ्रेंड्स। तो जैसे कि वहाँ भी एक मेरा सेटअप तैयार हो रहा है, थोड़ा थोड़ा मतलब हर जगह काम मतलब फंसा हुआ है। नीचे वाला ये कंप्लीट जो इसके नीचे में है ये थोड़ा सा कंप्लीट हो गया, कलर तो काफ़ी अच्छा दिखता है, बट मैं उस सेटअप को काफ़ी अच्छा बनाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स बस यही दिखाना था कि आप सभी को कि बहुत सारे देखते थे यूट्यूब पर अपना होम टूर करवाए हैं, बहुत सारे यूट्यूबर ने घर दिखाया है अपना, चाहे वो उनका खपरा का घर हो या तो उनका मिट्टी का घर हो या तो वो कहे हिमाचल में रहते हो तो वो भी अपना घर दिखाए हैं किस तरह का नहीं। तो मैंने भी अपना घर दिखाया और आप लोग को कैसा लगा वो कमेंट्स करके ज़रूर बताना है। क्या दीपक और अभिषेक देख सकते हैं, तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि अगर आज मैं अपना घर दिखा दे रहा हूँ तो कल दिन कोई बोल ना सके कि भाई ये बहुत ही फाइनेंशियल बहुत अच्छा था, इनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत बढ़िया था, वैसा कुछ भी नहीं है। घर बहुत ही मतलब बहुत ही इन्वेस्ट करके पैसा खर्चा करके पापा घर बनाए हैं और अभी भी देखिए पूरा फाइनल नहीं हुआ है। सीढ़ी जैसे कि आप लोगों को बताया इस सीढ़ी से मैं चढ़ा, तो अभी भी कुछ काम अभी बाकी कुछ क्या बहुत कुछ बाकी है अभी घर में, अभी बहुत सारा कुछ है जो कि अभी बना नहीं है। सो बस ये अभी लॉकडाउन चल रहा था, सोचा कि आप लोग को मैं इस बहाने में कहीं तो जाना है नहीं तो आप लोग को मैं होम टूर करवा दूँ। सो फ्रेंड्स बस यही हमारा छोटा सा घर था, आप लोग को कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताना। और वीडियो को क्या करना है भाई लोग, आगे धकल के शेयर करना, लाइक करना, तो लिखा हुआ रहता है तो कमेंट करना नहीं। चलिए आज के लिए बस इतने, तो उम्मीद करूँगे ब्लॉग आपको पसंद आया हमारा होम टूर। तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें। तो चलिए फिर बाय।